सुनो, ये बोट नहीं जाएगी, हम उस पर जाएंगे, उस पर जाएंगे। जब से पानी का जलस्तर गंगा जी में और वरुणा में बढ़ा है, तब से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है। बाढ़ राहत शिविर चालू हैं और ये जो बोट हैं, जिसमें NDRF की बोट हैं, पुलिस की बोट हैं, बाकी किराए की बोट हैं, प्लस कुछ नाविक संगठनों ने जो बोट दी है, ये लगातार लोगों को ऐसे इलाकों से जिनमें पानी भर गया है, जो रिस्की हैं, उनसे लगातार उनको निकाल रही है और निकाल के राहत शिविरों में ले जा रही है। और बाढ़ राहत शिविरों में फिर सारे इंतजाम, उनके खाने पीने, रहने, लाइट और इंक्लूडिंग मेडिकल जो इनका ट्रीटमेंट है, वो व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चल रहा है, या अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। जो भी लोग अंदर हैं वो एक तो छोड़ दें, वो आ जाएँ, इन बोट का सर्विसेज लें, क्योंकि 50 से ज़्यादा इसमें बोट हमारे पास मौजूद हैं और जो लगातार चल रही हैं। इसके अलावा जो घर हैं, जो जिनका संभावना है कि आगे भविष्य में, क्योंकि अभी पानी बढ़ रहा है, वो उनमें डूब सकता है, तो उन लोगों को फिर इसको निकाल के और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। सर, कितने दिन की जो राहत सामग्री उनको दी जा रही है, वो कितने दिन के, एक परिवार के लिए चलेगी? परिवार के लिए जो राहत सामग्री दी जा रही है, वो अगर 5 सदस्य, 5 से 6 सदस्य, तो 30 दिन की सामग्री है, तो पर्याप्त सामग्री है। जबकि हमारा जो पानी का लेवल है, वो कल शाम से घटना शुरू होने की संभावना है। और निकल जाओ अब यहाँ से, अगर रास्ता हो तो निकल जाओ, अभी बढ़ेगा। एडीएम साहब, एक सामान आप लीजिए। तो हल्का है, अब सब लोग मिल के ले लेना इसको। ठीक है सर, ठीक है। बहुत है, 5-1 हफ्ते खाना है, 10 दिन का 20 आदमी खाओगे। ठीक है सर। देखो, बहुत हो जाना है, बच्चे लोग गिरा मत लीजिएगा भैया। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।